हाँ जी दोस्तों, क्या हाल चाल है। वेलकम बैक टू अल्टरनेटिव लाइफस्टाइल। तो तुमने डेटा देख ली है, अटेंडेंस लो ही बड़ी है, उसको और करने जा रहे हैं। लास्ट हफ्ता बचा है। वैसे तो बीकॉम वालों ने छुट्टी मार ली है, क्योंकि एम बी फ्रांस वाले गई होगी इतनी नहीं पूरी, इसलिए मैं बीकॉम छुट्टी नहीं मार रही और हम सारी क्लासें लगाएंगे हफ्ते पर, इंक्लूडिंग मी। देखो दोस्तों, थोड़ी मंदी हालत में हमारी न्यू एक्टिवा, बट 705 किलोमीटर हमने कर लिए इस पर ऑलमोस्ट, एंड ये विद इन 2.5 हफ्ते किए हमने। अब इसकी सर्विस भी आने लगी है फिलहाल, कोल्ड स्टार्ट करते हैं नहीं जिसको होता वो कर रही है, जब ये मिनिमम वॉइस पे आ जाएगी इसका मतलब कोल्ड स्टार्ट खत्म हो जाएगा। तो फिलहाल यही है, बाइक का भी आज काम कराने वाला हुआ है। देखो ये बंद हो रही है, ये मेरे को पता नहीं लग रहा कि क्यों बंद हो रही है, क्या अगर किसी को रीज़न पता तो बताओ। और बाइक का भी यही है कि इसमें पेट्रोल नहीं डलवाया, पेट्रोल डलवाना है, इसका पंचर भी करवाना है, अगर पंचर भी है, इसका हैंडल लूज है वो भी करवाना है, तो बड़े सारे काम है पहले उससे चलते हैं और फिर आपको मिलवाते हैं दोस्तों से और फिर देखते हैं कैसा रहता हमारा। आप देखो दोस्तों, ना तोरे फिर नहीं है कोई, सू कम नहीं, कोई कार नहीं है, वेला मैं वेला सिरे दे दो वेले, एक तीजा वेला आ रहा वा, वेला हो गए भी लेट आंदा ना, पता नहीं की है, मतलब एक है नहीं जे आपा ओ इतना सिरा वेला वा, इतना लेट बंदा वा, ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦਗਾਂ ਕੋਈ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਡੀਲ ਕਰਨ ਚੱਲੇ ਆ, ਜਿਸ ਚੋਂ 80 ਲੱਖ ਦਮਨ ਭਾਈ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਜੀ, 20 ਲੱਖ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਹਿ ਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਫਿਰ 9 ਵਜੇ ਹੀ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਵਾ, 9 ਵਜੇ ਹੀ ਪਹੁੰਚੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ 80 ਛੱਡੋ, ਭਾਵੇਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਹੋਵੇ, ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੈ ਬੰਦਾ ਕਿ 9 ਤਰੀਕ। ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ, ਹਾਂਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਿਆ ਤੈਨੂੰ UBS ਆ ਗਏ? ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ਹਿ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਬਾਕੀ ਸਾਡਾ ਗਰੁੱਪ ਇੱਕ ਉਹ ਹੈਗਾ ਤੇ ਹੈ ਉਹ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਉਹ ਇੱਕ ਨਾ ਸ਼ਰਮਾ ਹੋਣੀ ਪਰਸ਼ ਬਾਟੇ ਹੋਣੀ, ਗੋਬਿੰਦਰ ਸਰਦਾਰ ਵੀ ਦੋਸਤ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾ GND 'ਚ ਗੋਬਿੰਦਰ ਸਰਦਾਰ ਵੀ ਇੱਕ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੀ ਪਿਆ ਸੀ, ਖਾ ਲਾ ਤੂੰ, ਹਾਂ ਤੂੰ ਬਿਨਾਂ ਖੋਲੇ ਖਾ ਲਈ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਖਾਣਾ ਦਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਸੀ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਖਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਐਡਵਾਂਸ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਭਰਾ। ਹਾਂ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚਣੇ ਆ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਰਾਈਡਰ ਆਏ ਜੀ, ਅੱਜ ਨੋਫਰ ਦਾ ਟਣੋ ਸੁਣੋ ਸਰਦਾਰ, ਹੋਰ ਸੁਣਾ ਵਧੀਆ ਯਾਰ, ਅੱਜ ਤੇ ਟੌਰ ਤੇ ਤੂੰ ਕੱਢੀ ਆ, ਅਸਲੀ ਟੌਰ ਕੱਢੀ ਆ, ਹਾਂ ਦਮਨ ਜੀ ਦੀ ਟੌਰ ਲੋਕ ਦਾ ਥੰਬਨੇਲ ਟਾਈਟ ਸਮਾਨ ਕਰੀ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਪੜ੍ਹ ਲੈ ਦੋਸਤੋਂ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਇੱਕ ਵੀ ਸ਼ੋਰ ਆ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਡੀ ਆ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਸਭ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਿਹਤਰ ਆ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆ। UBS ਕੰਟੀਨ ਮੈਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਵਿਹਲੇ, ਅਬ ਦੇਖੋ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਦੇ ਪਰ ਆਪਾਂ ਵਿਹਲੇ, ਸਾਡੇ ਦੋ ਹੋਰ ਯਾਰ ਵਿਹਲੇ, ਵਾਲ ਵੇਖ ਕਿਵੇਂ ਸੈੱਟ ਕੀਤੇ ਆ, ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪੈਪਰ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਤੇਰੀ ਫੋਟੋ ਲੈਣ, ਨਾਮ ਕਿਤੋਂ ਫਿੱਕਿਆ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਲਿਆ ਦੱਸ ਬਸ ਸਰ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਫੋਨ 'ਚ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਵਾ, ਬੜੀਆ ਸਪਾਈਡਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਸਰ, ਤੇਰਾ ਹਮ ਨਾ ਮੈਂ ਸ਼ੀਲਾ ਮੰਦਿਰ ਗਿਆ ਹਨੂੰਮਾਨ ਮੰਦਿਰ, ਉੱਥੇ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸਕਾ ਆਪ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ ਹੈ, ਇਹ ਨਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਪਾਰਟ ਹੈ ਗੋਲਬਾਗ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸਕੋ, ਅਗਰ ਅੱਗੇ ਜਾਓ ਨਾ ਯਾਰ ਥੋੜ੍ਹਾ, ਤਾਂ ਗੋਲਬਾਗ ਵਾਲਾ ਇਸਕੋ ਏਰੀਆ ਕਹਿ ਦਿੱਤੇ, ਔਰ ਯਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਲੈਕਸਸ, ਓਏ ਹੋਏ ਠੀਕ ਹੋਣੇ ਕੇ ਲਈ, ਔਰ ਯਹਾਂ ਪਰ ਨਾ ਨਿਸਾਨ ਪੈਟਰੋਲ ਖੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਮੇਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ, ਹਾਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਮਨ ਹੈ ਬੜਾ, ਔਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ
आयरन 4x4 की लिफ्ट भी डली हुई है वैसे उसका बड़ा है एक पुलिस की गाड़ियां है। चलो दोस्तों चलते हैं, जरा पूछ करते हैं। अच्छा दोस्तों, जो हम ये निसान पेट्रोल देख रहे हैं ना, इसका वो ओनर है पाजी और कैप में है, उनसे बात ही। बाई चांस उनको मैं जानता ही था, इनका चैनल है ट्रेड ट्रेल्स करके यूट्यूब पे, वो भी अंबरसर का पेज ही है। और जहाँ से इनकी गाड़ियों का काम होता है ना, मतलब सस्पेंशन का, तो ये होता है रन के बाग से, वहाँ से उनके पास एजेंसी आयरन मैन पूरा आयरन मैन की। तो बेसिकली वो सस्पेंशन जो सस्पेंशन काम होता है ना, सस्पेंशन लिफ्ट अप करने होते हैं, वो उनका काम है। तो इस गाड़ी का जो सामान आया है 27 लाख रुपीज़ का, इसके ऊपर सामान दुबई से इंपोर्ट होके आ रहा है। और जैसे ये देख रहे हो ना पीछे का, ये अराउंड 2 लाख का, और जो आगे लगा वो 1.5 लाख रुपए का, जो कल्ला कल्ला बम्पर ही देख रहे हो। और अभी और सामान इसका आ रहा है, और उसमें जो इंजन है वो वही है, स्टॉक है ओरिजिनल। एंड वो जो लग से देख रहे हो, 35 लाख रुपये का सामान लगा नाना करते हुए। अब आप सोच रहे हो 35 लाख का ये क्या लग गया भाई, बहुत कुछ होता है। टायर्स हैं, अलॉय व्हील्स है, देन उसके सस्पेंशन की लिफ्ट किट है, देन उसके बम्पर्स हैं, देन ऑफ रोडिंग करने में जो और सारी काफ़ी सारा स्टफ है वो भी आया। तो अगर बिकाऊ खड़ी होगी, ये बिकाऊ नहीं है, प्रोजेक्ट चल रहा है। तो अगर किसी ने भी देखना तो इसके इंस्टाग्राम और यूट्यूब का पेज यहाँ पे आ रहा होगा, देखो। दोस्तों काम मुकदे ही नहीं है, काम करने वाले ही बड़े पे है। और अब हमने अपनी बाइक का कुछ थोड़ा बहुत काम कराना है। अब ये ना सोच लेना कोई बाइक में दिक्कत आ गई, ये लेना होगा, नहीं नहीं नहीं, छोटा सा एक इसमें पंचर डलवाना है, हवा करवानी है, एंड इसका जो ये हैंडल हिल रहा है एक ये करवाना है। हाँ बस यही दो काम है जो हमने करवाने हैं। वैसे बाइक और एक्टिवा दोनों को वॉशिंग की ज़रूरत है, पर क्योंकि एक्टिवा की सर्विस आ ही गई है तो उसको सर्विस के लिए दे के आएंगे थोड़े दिनों तक, अभी नहीं। तब तक कल सुबह बाइक की नई करनी पड़नी, खुद से वॉश करनी पड़नी। तो फिलहाल चालू करते हैं इसको, ऑलमोस्ट 1.5-2 हफ्ते के बाद चालू करो, क्योंकि जब से एक्टिव आई है मैं एक्टिव ही चला रहा हूँ, मैंने बाइक नहीं चलाई। और विद इन 2-3 वीक्स ही लगा लो अपने, मैंने एक्टिव 750 किलोमीटर चला ली। अब समझ लो इतनी मैं बाइक की मेरी रनिंग है, सबकी बाइक की मेरी एवरेज ज़्यादा, मैं फिर भी इसको नहीं ला रहा क्योंकि एक्टिव नया चलो चालू करते हैं इसको। कोल्ड स्टार्ट सुनो आप इसका। दोस्तों हमारी पहली गाड़ी, दूसरी गाड़ी गई हुई है जी टूर पे। चलो चलते हैं। चले जी कितने लगा हुआ पेंचर, काफी दिनों से था, एक्चुअली 1.5 हफ्ते से था, तो पता ही नहीं लगा। वो मिल गया। तो कल पिट और अंकल जी बढ़िया हो, अंकल जी थोड़े मौन व्रत में रहते पर आप तो पंचर को देखिए। इसी के साथ दोस्तों यही है हमारी जिंदगी की दास्तां। अगर कुछ और होगा तो आपको बताएंगे, और हम नए शूज भी लिए वो भी आपको दिखाते हैं। दोस्तों ये वो बूट है जो मैंने मिंत्रा से मंगाए थे एडिडास के, पर रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन, बताओ कैसे लग रहे हैं, क्योंकि मेरे को तो काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। ये थोड़ा पार्टी वेयर के लिए रखा है मैंने इसलिए, बाकी ये है 10 नंबर में आए हैं, हल्के से टाइट है पर चलो चल जाएंगे, इतने भी नहीं है। यू नो जिससे जितना मेरा, वैसे मैं 11 नंबर का बूट डालता हूँ वो वाला, पर वो बहुत ही ज़्यादा खस्ता हो गया ये, तो इसलिए मैंने सोचा ये मंगा ही लेते हैं। चलो ये
ਗੋਵਿੰਦੋ ਸਰਦਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ जी भी दोस्तों दसो तुहानू व्लॉग किवें लग्या आई नो यार थोड़ा ऐसा वैसा था बट बताओ व्लॉग कैसा लगा व्लॉग किसी भी चलन प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब करो और मिलता कोई अगले व्लॉग के साथ चलो।